आज रिएक्शन में देखेंगे गोइंग टू मीट भारती और मोनू भाई इस वक्त मुंबई में है और बॉलीवुड में काम ढूंढने के लिए मुंबई आ चुके हैं। मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार। फुलम भाई स्वीकार करें वीडियो पे जाने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। मोनू भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। स्वागत है मेरा हाथ पे, भाई ने खुद का स्वागत छोड़ने के लिए आए हैं। बाय बाय भैया, जा टिकट काट लिया, ये है विंकर। हाँ, पहले चेक करना है कोरोना, उसके बाद जाना है हर जगह। चेक कर लेते हैं कोरोना पॉजिटिव निकलता है ना नेगेटिव निकलता है। कोरोना चेक नाक पे घुसेगा। बहुत अंदर तक डालते रोल दिया। मेरा पॉजिटिव है, बाकी लोग का चेक कर रहे हैं। Hey guys, मैं जा रहा हूँ मुंबई शहर। मुंबई पे मैं बॉलीवुड पे मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अकेले जा रहा हूँ गाइस, मेरे साथ कोई भी नहीं है। 3 बजे को फ्लाइट है, टिकट है 3 बजे को। अभी हूँ आसाम डिब्रूगढ़ मोहनबाड़ी एयरपोर्ट पे और 3 बजे को मेरा फ्लाइट है। मैं जाऊँगा मुंबई पे, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ अकेले। मेरा कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला, फिर भी मैं अपना खुद का जोश से मैं जा रहा हूँ, खुद का मेहनत से मैं जा रहा हूँ। मैं अंडर आ गया हूँ फाइनली। अभी गाइस बैग चेकिंग होगा शायद, मुझे वहाँ पे भेज रहा है। मैं चलता हूँ अकेले, कुछ भी आयदा नहीं है मुझे, जा रहा हूँ बस। यहाँ पे हूँ, मेरा बैग भी ले लिया गाइस और जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे जाने के लिए। बोल गाइस मैं यहाँ पे ऊपर रुका हुआ हूँ, ऊपर रुकने के लिए बोला है, फ्लाइट 3 बजे को है गाइस। और गाइस मैगी ले लिया, मैगी ले आया है, मैगी अभी खाऊंगा, भूख लग रहा है। अकेले बैठा हुआ हूँ, कोई भी नहीं है जान पहचान। 3 बजे को फ्लाइट है, अभी 3 बजे को उड़ के जाना है दिल्ली पे। आज पहले जाके दिल्ली पे रह लेंगे, उसके बाद ही मुंबई जाएंगे, पहले दिल्ली पहुंच लेते हैं। और अकेला आया हूँ बस गाइस, मैं अकेले, मैं मिडिल क्लास का होने से मैं क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा घर पे जॉब नहीं है तो क्या हुआ। मैं अपना खुद का बलबूते पे मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं काम ढूंढने के लिए। कौन कहता है कि एक मिडिल क्लास का लड़का आर्टिस्ट नहीं बन सकता। मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए, मिले तो बेस्ट, ना मिले तो नेक्स्ट, फिर भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मैं अकेले जा रहा हूँ गाइस, बिल्कुल फाइनली टाइम हो गया है। अभी प्लेन इतना बड़ा है ना, देखो ना गाइस इतना बड़ा है प्लेन, टीवी में जैसे देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है, इतना ज्यादा सीट है, बहुत ज्यादा सीट है, बोलो ही मत। वाओ, ओहो, इतना ज्यादा सीट है। और फाइनली मेरा टिकट ये है, मेरा सीट नंबर है 23A। अभी जा रहा हूँ 23A को ढूंढ के और बैठ लेता हूँ। गाइस भाई बहुत ज्यादा खुश है। गाइस मैं एरोप्लेन पे हूँ और गाइस ये मेरा पहला जर्नी है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अकेले निकल रहा हूँ दिल्ली और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, डर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा नहीं भी लग रहा है, क्योंकि अगर डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे। तो अकेले जा रहा हूँ मैं, इस वक्त जा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे ना लड़की है बहुत ही सुंदर सुंदर, इसको लगा लेता हूँ गाइस। हेल्थ इज वेल, हेलो मुझे क्या
पहले ये पहन रहा हूँ। खोल दिया। गाइस मुझे क्या बता रहा, इसमें और एक है और एक यहाँ पे कॉर्टन जैसा है वो लगाना है, मैंने उसको हटा के मैंने पहले लगा दिया था, मैंने अभी दूसरों को देख के मैं अभी यहाँ पे लगाया हूँ। जा रहा हूँ पहली बार, पहली बार। आरंभ हो गया, हिल रहा है, धीरे 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 जा रहा है, ऊपर उड़ने वाला हूँ थोड़ा देर के बाद। मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी अधिकार है बॉलीवुड में काम करने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। भाई थोड़े डरे हुए हैं। जब प्लेन ऊपर जा रहा था तब थोड़ा बहुत डर लग रहा था, कैसा अभी बिल्कुल भी रिलैक्स, अभी पूरा ठीक से जा रहा हूँ। वाओ लोकेशन गाइस, ये रुबिन भी इतना हिल क्यों रहा है भाई, इतना हिल क्यों रहा है, देखना कैसे हिल रहा है। वाओ गाइस प्लेन पे हूँ और गाइस उड़ रहा हूँ ऊपर। नीचे देखने से बड़ा माथा घूमता है, इसलिए नीचे देखने के लिए ये कर दिया, उड़ रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ। पहली बार जा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ ऊपर में, मैं उड़ रहा हूँ ऐसा भी ठीक है। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली 2 घंटा जाना पड़ता है उड़ के। Hey guys, अभी एरोप्लेन पे हूँ, मेरा 2 सीट खाली है, आदमी नहीं है और गाइस अकेले बैठा हुआ हूँ। पीछे भी बहुत बड़ा लाइन, लंबा लाइन है यहाँ में भी। फर्स्ट टाइम एरोप्लेन पे जा रहा है। जब पहले उठा था तभी डर लगा था, अभी डर नहीं लग रहा है। ये मास्क पहन रहा था तब मारा सारा घूम रहा था, जैसे ही मास्क ओपन कर दिया ठीक हो गया। जा रहा हूँ गाइस, अभी 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। सभी लोग रेडी हो जाओ, दिल्ली में मैं सबका मैं दिल हड़पने के लिए, मैं खुद का दिल देने के लिए भी जा रहा हूँ। गाइस इसी दौरान मैं कह दूँ, जब आप लोगों ने जो घर का वीडियो देखा था, महातेपुर से मैं सुम्पोईपुर देवरी बस्ती तक मैं मेरा मम्मी पिताजी का मैंने आशीर्वाद लेने के लिए गया था, आशीर्वाद लेके ही यहाँ पे आया हूँ दिल्ली में। तो वही है गाइस, और मेरे वीडियो में मैं कह नहीं पाया वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मैं पहुँच लेता उसके बाद ही मैं कहूँगा। तो फाइनली पहुँचने वाला हूँ और गाइस मैं अकेले ही आया हूँ गाइस, बस मिले तो बेस्ट, ना मिले तो नेक्स्ट। अगर पहले जाऊँगा दिल्ली के बाद ही जाऊँगा मुंबई। जब भी मुंबई आए भाई आप लोग प्रे करो प्लीज, एक बार जरूर मैसेज करिए और हमें मिले। धूप है गाइस, धूप नहीं है, सन आ रहा है, मतलब वो जो प्ले रहते हैं ना वहाँ में, आई थिंक नीचे नाम रहा हूँ ऐसा करके। कभी ऐसे तेरे होते हैं, कभी सीधे होते हैं, कभी तेरे हो रहा है, एक बार दो बार तेरा हो रहा है, एक बार दो बार सीधा हो रहा है, डर लग रहा है। गाइस आई थिंक पहुंचने वाला हूं नीचे में, क्योंकि डाउन होता जा रहा है और गाइस ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे ऐसे तेरा हो जाता है एक बार दो बार, देखो फिर से।
एक बार दो बार टेढ़ा हो जाता है, एक बार दो बार सीधा होता है, एक बार दो बार इस तरह हो जाता है, एक बार इस बार डर लग जाता है। देखो ना, आई थिंक पहुंचने ही वाला हूँ। सभी लोग देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, घर वगैरह, दिल्ली, इतना ज्यादा घर है। हम लोग नोटिस में तो घर ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में तो और भी घर नहीं है, इतना घर ही घर है हर जगह पे, ऊपर से नीचे पूरा घर ही घर, इतना ज्यादा है यहाँ में दिल्ली में। दिल्ली पहुंच गया, पहुंचने वाला हूँ अभी, घर सब दिखाई मिल रहे हैं। एक बार तेरा हो रहा है, एक बार सीधा हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, मेरा जान ऊपर नीचे हो रहा है। एक बार तेरा हो रहा है, एक बार सीधा हो रहा है, मेरा जान ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली रहा हूँ। बहुत ही हिम्मत है, मुझे लगता है कि अपने आप को मुझे बहुत ही हिम्मत है। गाइस आना तो पड़ेगा ही, अपना सपना तो पूरा करना पड़ेगा ही। जान बचे लाखों पाए एक समय के लिए, ऐसा बहुत डर लग गया था। चलता हूँ दिल्ली, पहुंच गया। नाम लिया हाजिर सुल्तान, मेरा देख आई। वेलकम वेलकम, स्वागत है मेरा हाथ पे। पहुंच गया गाइस, बैग ले लिया, अकेले जा रहा हूँ गाइस, कहाँ पे जाऊंगा जाऊंगा और आगे देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आगे में, उसके बाद गाड़ी लेके चलते हैं। Hey guys, मैं फाइनली पहुंच गया हूं, आ गया हूं अकेले, मैंने करके दिखाया, मैं उड़ के आया हूं अकेले, डायरेक्ट उतरा अभी जहां तहां पर 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 के अभी यहां पे नाम यहां पे अभी उतरा हूं। गाइस अभी प्रेजेंट हूं थंबनेल 2 पे, अभी आ रहा है ना गाइस, दिल्ली में आ गया, पर लक्ष्मी मिल गया, ऊपर से एक चिड़िया आके यहां पे हाक दिया है। तम एक्सक्यूज मी भैया, ये मोबाइल पकड़ दीजिए ना थोड़ा सा। देखो ना गाइस, दिल्ली पे जैसे ही आया, सेकंड फ्लोर पे हूँ, ऊपर से दर्शन, टॉयलेट, चिड़िया का तट्टी। क्या हूँ दिल्ली, हेलो, मुझे पिकअप करने के लिए आए हैं और चलते हैं अभी, चलो। मैं जाऊंगा अभी दिल्ली पे नॉर्थ ईस्ट होटल पे, मैंने कॉल करके गाली बुला लिया। तो गाइस फाइनली हूँ अभी कार पे, स्वागतम क्या है दिल्ली पे, अच्छा लगा। अभी हम लोग कहाँ में जा रहे हैं? लाजपत नगर। हम लोग जा रहे हैं अभी लाजपत नगर।
गुरुग्राम। गाइस दिल्ली में इतना ट्रैफिक है ना गाइस, बोलो ही मत। हर जगह में ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। थोड़ा देर के बाद डैशबोर्ड निकलने वाला है, इतना ट्रैफिक बोलो ही मत। कब को पहुंचूंगा पहुंचूंगा। और इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इतना लंबा लंबा बिल्डिंग पहली बार देख रहा हूँ। फाइनली पहुंच गया दिल्ली में। अभी एक रूम पे हूँ, नॉर्थ ईस्ट गेस्ट हाउस में हूँ गाइस। अभी हम लोग देखते रहिए। और गाइस यहाँ पे हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंच गया, मोबाइल पर सर्च दे रहा हूँ। ये है मेरा कमरा, यहीं पे मैं सोऊंगा। और गाइस कब को मिलने के लिए जाऊंगा दिल्ली से मुंबई, भारती मैम को दिल्ली में पहले देख लेते हैं, दिल्ली में पहले रह लेते हैं, दिल्ली में पहले जगह घूम लेते हैं, ताजमहल घूम लेते हैं, क्या क्या पता नहीं, सिटी बना रहे हैं, क्या क्या पता है गाइस, घूम लेते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गाइस लव यू टू वन एंड ऑल। आप लोग ऐसे कमेंट देते रहिए, अच्छा सा कमेंट देते रहिए गाइस। नॉर्थ ईस्ट का बेटा आ गया हूँ दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, बहुत ही अच्छा लग रहा है मोनू भाई के लिए। और ये रह गया उतारना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मोनू भाई के लिए कि मोनू भाई बॉलीवुड में काम करने की सोच रहे हैं और उसके लिए वो निकल भी पड़े हैं। पर पहले उनके वीडियो की बात करते हैं, जब वो कोरोना टेस्ट वाला उनका मोमेंट मुझे बहुत अच्छी आ रही थी उस जगह पे। पर वो जो कोरोना टेस्ट करते वो नाक में बहुत अंदर तक डालते हैं, वो जो होता स्टिक उसको, और भाई को एकदम से उनको छींकें आ रही थी। वो देख के बहुत अच्छा लगा कि खुद बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे भाई। जैसे ही प्लेन में बैठे, वहाँ पे जब प्लेन उड़ रहा था उस वक्त के भाई के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे पर इंजॉय भी कर रहे थे उस चीज़ को, और ख़ुद को विश्वास भी दे रहे थे कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में पहुँचने के बाद जैसे उनका स्वागत हुआ, मैम आए वहाँ पे उनको लेने के लिए, और उसके बाद होटल वो गए, वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद टट्टी कर दी चिड़िया ने उनके शर्ट के ऊपर, उस वक्त मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और वो जो उनका वो एक डायलॉग था, मिले तो बेस्ट, ना मिले तो नेक्स्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान ना करे मोनू भाई हमेशा सक्सेस ही हो, हमेशा उनके लाइफ में सक्सेस ही मिले उनको। पर कभी इतने बड़े बड़े एक्टर है बॉलीवुड में, या फिर जो भी एक्टर है भारत में हमारे देश में, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और फिल्म इंडस्ट्री में टीवी इंडस्ट्री में काम करना है। तो आप जाएंगे स्टार्टिंग में मिलता है नहीं मिलता है, और स्ट्रगल करना पड़े तो भी इंसान के अंदर हिम्मत चाहिए कि वो स्ट्रगल करे। और मोनू भाई में वो दिखता है, वो अपने खुद के अंदर वो पहले से ठान के आ चुके हैं। और एक बात, उनको भारती मैम से मिलना था। आई होप भारती मैम से उनकी अच्छे से मुलाकात हो, और भारती मैम की पहुंच बहुत बहुत ज़्यादा है टीवी इंडस्ट्री में, वो बहुत ही बड़ी स्टार है। और मोनू भाई भी उनके साथ काम करे, और बहुत जल्दी हम मोनू भाई को टीवी पे देखें। और एक बात जाते जाते कहना चाहता हूँ, मोनू भाई आप जब भी मुंबई आए, आई होप एक दो दिन में आप मुंबई में होंगे, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको मिलने ज़रूर आऊँगा। और आप मेरे घर पर आ सकते हैं, प्लीज़ आप मेरे घर पर भी ज़रूर आइए, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मोनू भाई का जो प्लेन वाला पूरी जर्नी थी, और वो बता रहे थे कि फर्स्ट टाइम वो प्लेन में बैठे, और मिडिल क्लास बॉय है, मिडिल क्लास इन चीज़ों से कुछ नहीं होते, हमेशा जो सक्सेसफुल लोग है वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मोनू भाई, आप ज़रूर टीवी पे आएंगे, और ज़रूर एक बड़े आर्टिस्ट भी है आप, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर भी है। आई होप बहुत जल्दी हम आपको टीवी पे भी देखेंगे। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।